एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा में आते ही बच्चों के दिमाग में पहला प्रश्न ये आता है कि मैम आप पढ़ा बढ़िया रहे हो, लेकिन ना हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। पढ़ने बैठते तो लगता है यार कुछ और काश करते, बोरिंग लगता है, या फिर बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके सामने जिसकी वजह से यू लाइक यार नहीं, पढ़ाई करने के लिए बैठे जरूर थे बट हम स्क्रॉल करने लग गए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग गए, एक मिनट में वाह क्या दुनिया घूम लेते हैं हम, या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तब भी कुछ हमको मिलता नहीं है इमीजिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीजिएट सेटिस्फेक्शन, है ना। तो पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? आज का ये जो वीडियो है ना, ये हो सकता है 10 मिनट का वीडियो हो, हो सकता है आपको लगे यार मैम बहुत रूड हो रही है, बहुत हार्श हो रही है। अगर आपको ऐसा किसी टाइम पे लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब मैं अपना काम बहुत सही कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे 1-to-1 बात करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ आपको ऐसा लगे जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हो। पास आ जाओ वीडियो के, बहुत ध्यान से आज के सेशन को, आज के मैसेज को सुनना, ठीक है। चलो, कहानी शुरू होती है मेरी खुद की कहानी, क्लास 11 की कहानी। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बात कर चुकी है, करा हुआ है कि क्लास 10 तक आई वाज अ गुड स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट, ना ही टॉपर ना बिलो एवरेज, ओके स्टूडेंट, 92% आए थे, गुड स्टूडेंट। जब मैं क्लास 11 में आई तो मेरा धीरे धीरे पढ़ाई से मन उठने लगा। ऐसा होता था कि पढ़ाई का मन इन द सेंस मन करता था कि मेरे भी अच्छे मार्क्स आए, पर जब मैं पढ़ने बैठती थी तो लगता था यार कल पढ़ लेंगे, लगता था कुछ और कर लो। तब कंप्यूटर पे लैपटॉप्स आए हुए थे तो मैं लैपटॉप पे गेम खेलती रहती थी और टाइम कब निकल जाता था पता नहीं चलता था, और रात को सोते हुए लगता था यार कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, कल 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 करते करते एग्जाम आ गया, मिड टर्म्स आया, है ना, और मिड टर्म्स में मैं ऑलमोस्ट फेल हो गई थी, ठीक है, एंड माई बैड मार्क्स कंटिन्यूड फॉर क्लास 11, पूरे क्लास 11 में मेरे बुरे मार्क्स आते रहे। उसी टाइम पे मेरे और भी डिस्ट्रैक्शन होने लगे, मुझे एक लड़का काफी पसंद आने लगा, ठीक है, ऑल्दो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही भयंकर प्यार का सिलसिला था, इट्स एन ऑनेस्ट टॉक, मैं आपको सच बता रही हूँ, बट दिमाग उसमें थोड़ा लगने लगा। उसके अलावा जब मैं जाती थी कोचिंग, जब मैं ट्यूशन जाती थी तो टीचर पढ़ाती रहती थी और मैं अपने फोन में लगी रहती थी, या थोड़ा बहुत पढ़ती थी समझ नहीं आता था क्योंकि घर पे नहीं पढ़ती थी ना, तो ट्यूशन में कुछ समझ नहीं आता था तो लगता था यार क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। अंदर से गिल्ट होता था, अंदर से आवाज आती थी कि यार सुरभि तुम क्या कर रही हो, कैसे तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, पर उस आवाज को कम करने के लिए टीवी और मोबाइल फोन का वॉल्यूम बढ़ा देती थी, ठीक है। दैट वॉज माई क्लास 11 स्टोरी। क्लास 11 इतना बुरा था मेरे लिए, अगर मैं अभी पीछे देखती हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर क्लास 12 में जब मैं आई तो पापा ने मुझे बिठाया और बोला कि देखो बेटा क्लास 11 तो तुम्हारा बर्बाद हो गया, तुमने साइंस ली है, हमें पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा अच्छा होने नहीं वाला। मेरे पापा का क्लियर था, वो खुद IIT के थे, है ना, उन्होंने कहा कि बेटा देखो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नहीं होता है तो हम आपका एडमिशन कहीं नहीं करा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में करा पाओ तो कर लो, नहीं तो फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे, एंड ही वाज वेरी सीरियस, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे मेरी बुरी हालत होने लगी, मुझे पता है मेरे पापा जब ऐसे सी बात करते हैं तो वो सीरियस है। फिर मैंने देखा कि यार मेरी क्या, अब बाय द वे जब मेरे पापा ने ये बात की उसके लंबे टाइम तक मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया था, फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि वो एक्चुअली वे सच में सीरियस है। प्री बोर्ड्स की बात है, प्री बोर्ड्स 12th स्टैंडर्ड प्री बोर्ड्स तक बात आ गई थी, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना शुरू किया था, पर क्योंकि मैंने पूरा क्लास 11 बर्बाद कर दिया था तो क्लास 12 में रैंप अप करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं कोशिश कर रही थी बट फिर भी मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। क्लास 12 आपको पता है प्री बोर्ड्स में मेरे मैथ्स में ठीक ठाक मार्क्स आए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं फेल थी, फेल मतलब बिलो 40 आए थे मेरे, ठीक है, आई वॉज ऑलमोस्ट फेलिंग। फिर जब पापा ने मुझे ये पूरा बोला कि ठीक है भाई लड़का ढूंढना शुरू कर देता है, तुम तो पढ़ने नहीं वाली और ना ही तुम्हारा अच्छा कॉलेज में होने वाला है, उस टाइम मेरा भाई का 10th स्टैंडर्ड चल रहा था और उसका पढ़ाई इतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो पापा ने उसको भी कुछ बताया था कि देखो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। माई डैड इज लाइक दैट, मतलब वो आराम से आपको अल्टीमेटम देते थे, तुम्हें करना है करो नहीं तो ये है अगला स्टेप, और करते भी थे। इस टाइम पे मेरे पापा ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने घर का जो टीवी है, एक दिन मैं स्कूल से आई घर का जो टीवी है उसको अलमारी में पैक करके रख दिया। मैं और मेरा भाई घर आए लाइक टीवी देख रहे हैं, टीवी का है टीवी है नहीं, कंप्यूटर है नहीं, सारे स्क्रीन जो उन्होंने बैक करके अंदर रख दिए थे और बोला तुम्हें जो करना है करो, पढ़ाई नहीं करनी है मत करो, पर स्क्रीन में तुम नहीं लगोगे। इस पॉइंट पे पापा ने मुझे बस एक चीज बोली, तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में। जब तुम अपने कजिन्स को देखती हो जो काफी सक्सेसफुल थे, एक IAS ऑफिसर था, एक बहुत अच्छा तब टीवी न्यूज का काफी चल रहा था, एक जर्नलिस्ट था, उनको देख के तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उनकी तरह जिंदगी जीनी है
या फिर कैसे जिंदगी जीनी है, तुम खुद सोचो। एंड दैट इज व्हेन मेरा दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज थनकी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, बड़े हो के मुझे क्या बनना है, किस टाइप की जिंदगी मुझे चाहिए। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड तक आते आते एक और बड़ी चीज होने लगी, आसपास के लोग जो रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी क्वेश्चन करने लगते हैं, भैया कैसा चल रही है पढ़ाई। और ना शर्म आती थी बोलने में अच्छी चल रही है, क्योंकि झूठ था ना वो, तो शर्म आती थी और ये लगता था यार बोर्ड एग्जाम के मार्क्स तो सबको पता चल जाएंगे, तब तो मैं झूठ बोल नहीं सकती। तो धीरे धीरे मुझको डर लगने लगा कि क्या होगा मेरा। And that is the point. I still remember कि एक रात में सोच रही थी कि भाई करना क्या, और मेरे दिमाग में ऐसा एक nightmare आया कि मेरे you know 65% आए हैं 12th में, मेरे पापा मम्मी ये सबको बता रहे हैं, मेरे cousins को बता रहे हैं जिनके साथ मेरा competition रहा करता था, और मैंने कहा भाई साहब कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, और पापा सच में मेरी शादी कर देंगे और मैं कॉलेज में नहीं जा पाऊंगी। ये सब डर मुझे सताने लग गए। उस टाइम मैंने ठान ली कि बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, 3 महीने 2 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बैठ के किसी तरीके से रगड़ना पड़ेगा। अगले दिन ही मैंने पापा को बोला कि यार पापा मैं ना पढ़ूंगी, आप चिंता मत करो, आई एम गोइंग टू स्टडी। पापा ने कहा ठीक है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए तुम हमसे पूछ लो। मैंने कहा आप बस ये इंश्योर करो कि जब मैं अंदर पढ़ने जाऊं तो आप बार बार आके चेक करो कि मैं पढ़ रही हूं ना, क्योंकि मुझे वो आउटसाइड डिसिप्लिन चाहिए था उस टाइम। ठीक है, वो मैंने ऑल्दो बोला बट अंदर से काफी उस टाइम तक डिसिप्लिन आ गया था, क्योंकि मेरी बुरी हालत थी। मैं पढ़ने बैठी, ठीक है, मैं पढ़ती रही। एंड उसके बाद 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशंस में मेरे केमिस्ट्री में 97, फिजिक्स में 82 या 84 आए थे। ठीक है, दैट वाज अ ह्यूज जंप फ्रॉम समवन जो फेल कर रहा था टू समवन हु इज गेटिंग 97 इन बोर्ड एग्जाम्स। और वो इसीलिए था क्योंकि मैंने रात दिन एक कर दी थी पढ़ाई में। उसके बाद उस परिश्रम का जो ये फल था इतना मीठा था, इतनी खुश हुई कि मैं दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में गई, दैट इज लेडी श्रीराम कॉलेज। एंड दैट जो मैंने ये जो चेंज लाया ना अपने लिए इन क्लास 12, वो जो चेंज था वो थ्रू आउट मेरी लाइफ में मेरे साथ रहा। आज भी अगर कोई मुझे बोलता है कि बेटा काम कर लो पढ़ लो, तो मैं करती हूँ, बिकॉज आई नो मुझे किस टाइप की जिंदगी जीनी है। और जब हम बड़े होते हैं तो खुद ही मैच्योरिटी आने भी लगती है। अब ये मैंने आपको कहानी बता दी, अब हम आते हैं मोटिवेशन पे और प्रैक्टिकल टिप्स पे। आपका पढ़ने का मन नहीं लगता, जैसे मेरा नहीं लगता था, बिकॉज ऑफ कुछ सम रीजंस। पहला, पढ़ाई में आपको कोई रुचि या इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ाई करने बैठते आपको बोरिंग लगता है। दूसरा, आपके पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे ही पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है आपके पास और भी ऑप्शंस है काम करने का, आप स्क्रोलिंग करने लगते हो, वाइटी शॉर्ट्स देखने लगते हो, आज तो बहुत है एक मिनट में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, और करते करते पूरा दिन निकल जाता है, थकान होती है बॉडी में बट आउटकम कुछ नहीं होता। दीज आर टू मेजर रीजंस आजकल आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक तीसरा रीजन भी है जो शायद आपको पता ना हो, बट दैट इज अ बिग रीजन, इज दैट जब हम लोग ब्राउनी खाते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं या वाइटी शॉर्ट देखते हैं तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, मतलब हमें इमीजिएटली उसका रिजल्ट दिखता है कि वी फील गुड, वी फील हैप्पी। एज कम्पेयर टू पढ़ाई, पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमें कुछ समझ आता है और हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, वो इतना ज्यादा लेट होता है कि हमको मतलब ये लगे यार ये तो बहुत दूर है, पता नहीं कब, मतलब एक होता है ना इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए भी लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों पढ़ाई में बहुत मेहनत है। और कभी कभी बच्चों को लगता है इतनी मेहनत करने के बाद मार्क्स बहुत चुल्लू भर आते हैं, फायदा भी है इस मेहनत का, है ना। बहुत बार बच्चों को लगता है यार हम अच्छे तो है नहीं पढ़ाई में, पढ़ाई करने का फायदा क्या है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब कॉजेज है व्हाई यू डोंट वांट टू स्टडी, राइट। नाउ पहला चीज आपको करना है इस सीरियसली सोचना है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज योर विजन फॉर योर लाइफ। क्या आप बड़े होके चप्पल घिसना चाहते हो, बच्चों को खाना खिलाने के लिए तरसना चाहते हो कि भाई मैं एक के बाद एक नौकरियां ढूंढ रहा हूँ, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, लोग घर खरीद रहे हैं, मेरे दोस्त जो है फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं पर मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऐसी जिंदगी तो कोई नहीं चाहता, राइट। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट टू लिव, पहले अपने दिमाग में आंख बंद करके आप वो सोच लो क्या जिंदगी जीना चाहते हो। दूसरा, जब आप वो जिंदगी जीना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लियर कट आंसर है कि आपको करनी है पढ़ाई, पढ़ाई करने से ही आपको वो जिंदगी मिलेगी जो आप चाहते हो, राइट। अब आपने कहा कि भाई ठीक है पढ़ाई करनी है तभी वो जिंदगी मिलेगी, ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। आप शॉर्ट टर्म गोल सोचो, आप क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो, क्लास 11 में हो, आप क्या परसेंटेज पाना चाहते हो जिससे आपको खुशी होगी और आप अपने मम्मी पापा और टीचर्स को प्राउड फील करा पाओगे।
व्हाट इज योर टारगेट परसेंटेज, कभी सोचा है? पढ़ते पढ़ते कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ? भाई आर यू स्टडीइंग, क्या चाहते हो आप पढ़ाई करके? ये अपने दिमाग में सेट कर लो, अपना टारगेट सेट कर लो, किस तरीके की जिंदगी आप जीना चाहते हो उसको सेट कर लो। जब आप लाइब्रेरी में बैठे होगे ना, तो आप अपने फोन में लगे होगे, साइड वाला बंदा पढ़ रहा होगा, तो आपको फील होना चाहिए कि यार मैं मोबाइल फोन में हूँ, साइड वाला बंदा पढ़ रहा है, वो तो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। अगर आप सुबह 11 बजे उठ रहे हो, तो आपको उठते ही दिमाग में आना चाहिए यार 11 बज गए, सामने वाले इंसान ने तो 3 चैप्टर्स निपटा दिए, मैं तो अभी शुरू भी नहीं किया, मेरा क्या होगा? ये डर होना चाहिए आपके अंदर, ये डर सताना चाहिए कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको वो जिंदगी मिलेगी जहां आराम है, जहां पैसा है, जहां सक्सेस है, और आपको वो जिंदगी नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये डर आपके अंदर आएगा तभी जब आपको पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अब वंस यू नो व्हाई यू आर स्टडीइंग, वंस आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, तब आपको खुद ही होगा यार चलो आज से पढ़ाई शुरू करते हैं। बट ये काफी नहीं है, ये पेट्रोल जो है सिर्फ एक दिन का है, दूसरे तीसरे चौथे दिन कैसे पढ़ाई करो, इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल और स्टडी रूटीन बनाना होगा। देखो एक दिन के मोटिवेशन से कोई पढ़ नहीं सकता, एक दिन के मोटिवेशन से आप आज पढ़ लोगे कल नहीं पढ़ोगे, तो वो विजन जो है अपने सामने रखो टेबल पे, बार बार हर दिन का टाइम टेबल बनाओ कि आज तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगा और ये खत्म करता रहूंगा। कंटिन्यू डूइंग दैट, याद रखना करत करत अभ्यास कर जड़मती हो तो सुजान, है ना? तो इसमें क्या है, अगर आप प्रयास करते रहोगे तभी आप विज्ञानी बनोगे। तो एक बहुत अच्छी कहानी भी है जो मैं बताना नहीं चाहती थी इस वीडियो में, पर बता देती हूँ कि एक बच्चे को बोला गया था तुम तो पढ़ते नहीं, तुम तो होनहार नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो बच्चा गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है। फिर वो आता है गांव में जहां पर औरतें जो है पानी निकाल रही होती है वेल से, अब वो उसको रोप के थ्रू निकालती है और रोप से जो पत्थर है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड रॉक है, वो उसके ऊपर निशान बन जाते हैं। तो बार बार अगर आप एक चीज करते हो, रस्सी ऊपर करते हो और उससे एक हार्ड रॉक में निशान बनते हैं, तो जो आप परिश्रम करोगे उसका भी फायदा होगा, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हो सकता है कि आप अभी जो परिश्रम कर रहे हो उसका रिजल्ट इमीडिएटली ना मिले, बट एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए अपने आप को ट्रेन करो पढ़ाई करने के लिए, एक रूटीन बनाओ, रूटीन पे जो है फिक्स रहो, जिससे पढ़ाई एक हैबिट बन जाए। नाउ आपने ये कर लिया, ठीक है, तो फिर आप अपने गोल के बहुत ज्यादा पास हो। नाउ गाइस अब ये डिस्ट्रैक्शंस का क्या करें? अब हो सकता है आप सोचो आज मैं फोन नहीं देखूंगा और कल जो है वापस से आप फोन में लग जाते हो और फोन में वापस से घुस जाते हो, कहते हो 5 मिनट और कर लेता हूं। अब डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए यू विल हैव टू टेक आउटसाइड हेल्प। अगर आप एक सीरियस एडिक्ट हो, पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि क्या मैं एडिक्ट हूं। हाँ आप एडिक्ट हो, अगर आपने पढ़ाई का सोचा और आप फोन में घुसे हुए हो तो यू आर एन एडिक्ट। तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लो, बोलो कि मम्मी मैं आज ये वीडियो देखना चाहती हूँ, सुरभि मैम की एसएसटी का सेशन चल रहा है, पर देखते देखते मेरा हाथ कहीं और चला जाता है, तो मैं चाहती हूँ आप बार बार आके चेक करो कि क्या मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। अपने डिस्ट्रैक्शंस को प्लान करो, यू नो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, है ना? तो सोचो भाई कि ठीक है दिन में 15 मिनट में अपने आपको फ्री टाइम देता हूँ फॉर डिस्ट्रैक्शंस, और उस 15 मिनट में ही अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस करूंगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ ऑलवेज प्लान योर डिस्ट्रैक्शंस। एंड फाइनली अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, रात को सोने पे से पहले अगर आपने ये कर लिया, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, एंड दैट इज विजुअलाइजेशन। रात को आंख बंद करके सोने से पहले पहले सोचो आपने दिन में क्या किया, हर घंटा अपने दिमाग में दोहराओ कि सुबह उठा, फिर नहाने गया, फिर स्कूल गया, फिर आके सोया, फिर क्या, और सोचो यार मैं क्या कर सकता था और पढ़ाई करने के लिए, मैं क्या कर सकता था टाइम को बेटर यूटिलाइज करने के लिए, कल मैं ये करूंगा। अपने आप को एनालाइज करो और फिर विजुअलाइज करो सक्सेस, कि आप ये सब कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो और आपको 95% आ रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपका सर ऊंचा हो रहा है, मम्मी पापा का सर ऊंचा हो रहा है शान से। इसको विजुअलाइज करो, क्योंकि जितना आप विजुअलाइज करोगे उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाई करने का। फाइनल चीज, अगर आपको रुचि नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई में, आप उस सब्जेक्ट से शुरू करो जो वो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। आई वुड से मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स में अगर आप वीक भी हो ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको दिखाई देता है तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट मजा आता है। तो मैथ्स के इजी चैप्टर्स से शुरू करो, एसएसटी के चैप्टर्स पढ़ना शुरू करो, वीडियोस देखना शुरू करो, एनिमेटेड वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, जिससे कि चैप्टर क्या है स्टोरी की तरीके से आपको समझ आ जाए। साथ साथ नोट्स बनाते रहो जिससे दिमाग चलता रहे और आपको अचीवमेंट की एक फीलिंग हो कि हाँ यार नोट्स भी बन गए, साथ साथ लेक्चर देखते हुए।
है ना, जब हाथ चलने लगता है, दिमाग से आप फोकस करने लगते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करते, क्योंकि आप अपने सारे ऑर्गन्स को हर चीज को जो है यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू टू एंश्योर कि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट रहे। नेक्स्ट इज, ये पूरा वीडियो देखने के बाद मोटिवेशन तो मिलेगा भाई, जिंदगी अच्छी जीनी है ना, जिंदगी मजेदार जीनी है, जिंदगी ऐसे जीनी है जिसमें बड़ा घर हो, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा पाओ, जिसमें बच्चे आपके कभी ना कभी जो होंगे उनको आप अच्छी लाइफ दे पाओ, अपने आप को अच्छी लाइफ दे पाओ, राइट? तो ऐसी जिंदगी आपको चाहिए, है ना? तो ऑफकोर्स पढ़ाई का मोटिवेशन आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, बट डू नॉट स्टार्ट बिग आफ्टर दिस वीडियो। इन इस वीडियो के बाद आपको कल तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तो इमीडिएटली बर्न आउट हो जाएगा। तो स्टार्ट स्मॉल, कोई छोटी चीज अकम्प्लिश करो पहले पढ़ाई में, कि कल तो मैं 2 घंटे पढ़ के ये छोटा सा टॉपिक खत्म करूंगा, और धीरे धीरे इंक्रीमेंटली स्मॉल स्टेप्स में इसको बढ़ाओ। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करोगे बेटा, आपको सक्सीड करने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कोई बोले यार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की तो मार्क्स है, कभी आपको काम आएंगे? हाँ, इतने काम नहीं आएंगे। ऑफकोर्स स्ट्रीम सिलेक्शन में काम आते हैं, जब आप आगे अपने, अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हो तब काम आते हैं, जो अगर आप IIM में जाना चाहते हो, मैनेजमेंट करना चाहते हो, थोड़ा सा तब काम आते हैं। बट एज सच क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स आपकी लाइफ डिटरमिन नहीं करते कि भाई बर्बाद हो जाएगी लाइफ, नहीं। बट ये दिखाते हैं कि आप परिश्रम कितना करना चाहते हो, आपका रूटीन, आपका हैबिट बनाते हैं। अगर आपने क्लास 10 में यह हैबिट बना दी ना पढ़ाई की डिस्ट्रैक्शन हटाने की, 11, 12 में आपको ये हेल्प करेगा। सो दिस इज द टाइम टू स्टडी। क्लास 9 और क्लास 10 में बार बार बोलती हूँ, आर टू क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि यहाँ जो आपने हैबिट्स बना लिए वो जिंदगी भर आपको या तो ऊपर ले जा सकती है या बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो गाइज आई डोंट नो अगर आपको ये वीडियो हार्श लगी, ठीक लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आप क्या रेडी हो सैक्रिफाइस करने के लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, अभी सैक्रिफाइस कर लो या फिर बाद में बड़े होके हर पूरी लाइफ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम एक नया चैप्टर करेंगे, मोटिवेशन के साथ आना, रेडी रहना पढ़ाई करने के लिए, फोड़ने के लिए बिल्कुल एग्जाम में। This is your master teacher Surbhi signing out. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि यहाँ पर वेदांतु क्लास 9 चैनल पे हम आपके लाते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, एकेडमिक वीडियोस। बाय बाय।